नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती का ट्विस्ट आ गया है। किससे डर रही है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती? ऐसी बात है जो रिया को परेशान कर रही है। रिया ने पहले ट्वीट करके सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की और इसके बाद बड़ा खुलासा यह किया कि कोई उन्हें सुसाइड करने के लिए कह रहा है। रिया चक्रवर्ती सुशांत को लेकर काफी इमोशनल भी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के एक महीने बाद आखिर किससे डर रही है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया? आखिर वो कौन सी बात है जो रिया को परेशान कर रही है? अब रिया चक्रवर्ती ने की सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग। इंस्टाग्राम में एकदम भावुक हो गई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया। वक्त बहुत तेजी से भागता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सुशांत के सुसाइड का रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाया। और अब सुशांत के केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने नया ट्विस्ट डाल दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों रिया चक्रवर्ती आज इतनी परेशान है, क्यों उन्हें इस वक्त सुशांत की याद सता रही है। तो साथ ही आपको दिखाएंगे कि सुशांत केस में यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा से आज क्या पूछताछ की गई, क्यों सुशांत सिंह केस में अब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। तो पहले बात सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की करते हैं। सुशांत की मौत के बाद उनके फैंस ने कई बॉलीवुड हस्तियों पर अपना गुस्सा निकाला, जिनमें से एक हैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। रिया को सुशांत की मौत के बाद लगातार लोगों की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि रिया ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के कॉमेंट सेक्शन को भी बंद कर दिया था। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के एक महीने बाद रिया फिर से सोशल मीडिया पर हाजिर हुई हैं, लेकिन इस दफा उन्होंने सुशांत केस में सीधे सीबीआई जांच की मांग की। रिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया है। रिया ने लिखा है, आदरणीय अमित शाह सर, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हूँ। सुशांत की अचानक हुई मौत को अब एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है, फिर भी मैं न्याय की उम्मीद करते हुए आपसे हाथ जोड़कर इस केस में सीबीआई जांच की मांग करती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने अचानक 70 mm के स्क्रीन पर दाग लगा दिया है। रुपहले पर्दे के पीछे का काला सच एक बार फिर सामने आने की कोशिश कर रहा है। रिया चक्रवर्ती ने एक और ट्वीट किया, इसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को फिर लिखा, मैं आपसे हाथ जोड़कर इस केस में सीबीआई जांच की मांग करती हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि किस प्रेशर ने सुशांत को ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह चुके हैं कि सुशांत केस में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की जो जांच चल रही है वो सही दिशा में चल रही है। मुंबई पुलिस अच्छी तरीके से उसकी छानबीन कर रही है। जो भी कुछ लोग हैं जिनसे उनके ताल्लुकात थे या जिसके बारे में कंप्लेंट थी, उसको बुला के उनके बयान लेना चालू है और पूरी इंक्वायरी मुंबई पुलिस बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। और इस हालत में ये इंक्वायरी सीबीआई को देने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि सुशांत के दोस्तों और नौकरों से मिली सबसे पहली लीड से साफ हो गया था कि वो डिप्रेशन में थे और मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। इस सिलसिले में पुलिस ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी, क्योंकि नवंबर में रिया से सुशांत की शादी होने वाली थी। अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद सुशांत रिया चक्रवर्ती के करीब आए थे और दुर्घटना की एक रात पहले उन्होंने रिया के नंबर पर कॉल किया था। अब रिया चक्रवर्ती न सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं, बल्कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया द्वारा एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, रिया ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट जरिए बताया कि उन्हें रेप और जान से मार देने की धमकियां मिल रही हैं। रिया ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में एक यूजर की धमकी का जवाब देते हुए लिखा, मुझे कातिल कहा गया तो मैं चुप रही, लेकिन मेरी चुप्पी आपको ये कहने का अधिकार कैसे देती है कि अगर मैं आत्महत्या नहीं करूंगी तो मेरा रेप और मर्डर कर दिया जाएगा। क्या आपने जो कहा उसकी गंभीरता का एहसास है? ये अपराध है। मैं फिर भी कहती हूँ कि किसी का भी इस तरह से उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। रिया ने यह भी लिखा कि अब बहुत हो गया है,
साथ ही रिया ने सुशांत को लेकर भी एक पोस्ट की जिसमें वो काफी इमोशनल नजर आई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुशांत के साथ दो खूबसूरत तस्वीरें शेयर की और लिखा, अभी तक तुम्हें खोने का दर्द उठा ही रही थी, खुद से लड़ ही रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि ये मैं तुमसे हमेशा सीखती रहूंगी। तुम ही हो वो जिसने मुझे प्यार पर भरोसा करना सिखाया। मुझे पता है कि इस वक्त तुम बेहद सुकून की जिंदगी जी रहे हो। चांद सितारों के बीच तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हो जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। रिया का इस तरह से इमोशनल होना और सीबीआई की जांच की मांग करना, इसके पीछे बड़ी कहानी कहता है। मुंबई से पिया हिंगोरानी के साथ आज तक ब्यूरो। शक की एक सुई सुशांत सिंह राजपूत और यशराज फिल्म्स के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बीच भी काफी पहले से ही घूम रही है और अब पुलिस यशराज फिल्म्स के मालिक और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा से पूरे 4 घंटे तक पूछताछ की है। आखिर माजरा है क्या, इस रिपोर्ट में जानिए। सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन की वजह खंगालने के लिए भी मुंबई पुलिस की एक टीम अलग से काम कर रही है। ये टीम सुशांत की फिल्मों, फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट, फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और कुछ खास प्रोडक्शन हाउस से जुड़े लोगों को खंगाल रही है। इसी सिलसिले में पुलिस यशराज फिल्म से गहराई के साथ पूछताछ कर रही है और अब ये जांच यशराज फिल्म्स के मालिक और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा तक जा पहुंची है। बांद्रा पुलिस ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आदित्य चोपड़ा से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे आदित्य वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसके बाद लगभग 4 घंटे तक पुलिस उनसे सवाल जवाब करती रही। इस पूछताछ में आदित्य से उनकी कंपनी का सुशांत के साथ कॉन्ट्रैक्ट और सुशांत को ऑफर की गई फिल्मों के बारे में सवाल किए गए। गौरतलब है कि डायरेक्टर शेखर कपूर भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म पानी बनाने वाले थे। इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स प्रोड्यूस करने वाला था, लेकिन बाद में ये फिल्म नहीं बन सकी। शेखर कपूर ने बताया था कि इस फिल्म के लिए सुशांत ने लगभग 11 महीने तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन फिल्म बंद होने के बाद वो काफी निराश थे। इसके अलावा आरोप ये भी लगे हैं कि कथित तौर पर आदित्य चोपड़ा की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के चलते सुशांत के हाथों से कई बड़ी फिल्में निकल गई थी। यशराज फिल्म्स और सुशांत सिंह के बीच 3 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें पहली फिल्म के लिए 30 लाख रुपए मिलने थे। अगर पहली फिल्म हिट हो जाती है तो सुशांत को अगली फिल्म के लिए 60 लाख रुपए मिलने थे, जबकि दूसरी फिल्म के हिट होने पर उन्हें तीसरी फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाने थे। यशराज फिल्म्स ने उन्हें उनकी पहली फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के लिए 30 लाख रुपए दिए भी थे। तुम पैदा ही चालू हुए थे या पड़े हो के कोई इन्फेक्शन लगी थी? जबकि दूसरी फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के लिए सुशांत को 60 लाख रुपए की जगह सीधे 1 करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि सुशांत को उनकी दूसरी फिल्म के लिए 60 लाख रुपए की जगह सीधे 1 करोड़ रुपए क्यों दिए गए, पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है। लगातार हिट फिल्में देने के बावजूद यशराज फिल्म्स की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की तीसरी फिल्म पानी क्यों अटक गई, ये भी फिलहाल एक राज ही बना है। हालांकि यशराज फिल्म्स के पूर्व प्रोडक्शन हेड आशीष सिंह ने तो सुशांत और यशराज फिल्म्स के बीच किसी भी तरह के विवाद की बात से ही इनकार किया है। आशीष ने अपने बयान में कहा है कि सुशांत और यशराज फिल्म्स के बीच अच्छे माहौल में अलगाव हुआ था। इस सिलसिले में आशीष सिंह के अलावा यशराज फिल्म्स के कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा और एक दूसरे अधिकारी आशीष पाटिल का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। सुशांत ने अपनी डायरी में फिल्म पानी के निर्देशक शेखर कपूर का नाम समेत और भी कई बातें लिखी हैं। पुलिस अब इन बयानों के साथ साथ डायरी में लिखी बातों को मिलाकर देख रही है। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। मुंबई पुलिस पिछले 1 महीने से सुशांत के सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने उस हरे रंग के कपड़े का भी टेस्ट करवाया है जिससे लटक कर सुशांत ने जान दे दी थी। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हो चुका है कि उनकी मौत पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हुई। प्यार बना है, बना रहेगा। सुशांत के केस में मुंबई पुलिस किसी भी एंगल को नहीं छोड़ रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने उस कपड़े की जांच भी करवाई है जिससे सुशांत ने फांसी लगाई थी। पुलिस को शक इस बात का है कि क्या ये कपड़ा फंदे में लटकने के बाद सुशांत का वजन संभाल सकता था।
इस कपड़े की टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट करवाई जा रही है। ये कपड़ा सूती यानी कॉटन का था। इसके अलावा सुशांत के गले पर पाए गए निशान और कपड़े का मिलान भी किया जाएगा। इस टेस्ट के जरिए पता चलेगा कि सुशांत की आत्महत्या में कोई साजिश तो नहीं है। वहीं पुलिस ने जब सुशांत के मृत शरीर को देखा था तब उन्हें वहां एक बाथरोब बेल्ट भी मिली जो पहले से ही दो टुकड़ों में टूट चुकी थी। सुशांत के घर में किसी सबूत के लिए जब पुलिस ने खोज की थी तब उन्हें सुशांत के कपड़ों की अलमारी पूरी तरह बिखरी मिली। हो सकता है सुशांत ने अपनी अलमारी से यही हरे रंग का कपड़ा निकाला हो। आज तक ब्यूरो। सुशांत राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को रिलीज होने जा रही है, लेकिन उसके ट्रेलर ने रिकॉर्ड बना दिया है। इस फिल्म में सुशांत अभिनेत्री संजना सांघी के साथ नजर आने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।